सो उसी के बेस पे एक एग्जाम्पल है, देखो क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल में। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर। मतलब बैट्समैन है, स्ट्रेट मार रहा है, बॉल आया और बॉलर जहां से डाल रहा है मतलब सीधा, तो सीधा ही वापस मार दे रहा है स्ट्रेट ड्राइव विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। तो भाई इनिशियल स्पीड मतलब क्या, u इज इक्वल टू जो भी गिवन है लिखते जाओ 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट चेंज करना हो तो चेंज कर देना यहीं पर, ओके तो मीटर पर सेकेंड है तो कोई जरूरत नहीं है। विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड मतलब कहने का मीनिंग क्या है, बॉल आ रहा था इनिशियल स्पीड से 12 मीटर पर सेकेंड और बैट्समैन ने मार दिया, लेकिन मार दिया मतलब कहीं पर भी नहीं मारा, उसी डायरेक्शन में मारा बॉलर की डायरेक्शन में, सीधे आया बॉलर के पास से आया और बॉलर को ही वापस मार दिया मतलब सामने ही मार दिया, ओके। विदाउट चेंजिंग मतलब स्पीड जितनी आने वाले बॉल की जितनी स्पीड थी, बैट से लगकर जाने वाले बॉल की स्पीड भी उतनी ही है, विदाउट चेंजिंग बोला है ना। तो जैसे कि हम ऐसा खेल रहे हैं, ऐसे मैं मतलब मैं यहां खेल रहा हूं, मैं यहां बॉल आ रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ले लेते हैं और ये पॉजिटिव, तुम कुछ भी ले सकते हो, ओके कि जाने वाला नेगेटिव और आने वाला पॉजिटिव वो भी ले सकते हो, ये तो हमारे ऊपर है, ओके। लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं, जनरली हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स लेते हैं और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स लेते हैं, ओके। तो इसको मैं सपोज ले लूं यू माइनस, तो फिर वी कितना होगा, प्लस 12 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड उतना, डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड उतना ही है 12 का 12, लेकिन डायरेक्शन जो आ रही थी माइनस एक्स उसकी जगह हो गई प्लस एक्स, डन, ओके। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, इफ द मास ऑफ द बॉल 150 ग्राम, ओके सो 0.15 केजी, सो मास ऐसा यूनिट में ही है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ओके। डिटरमाइन द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल, क्या डिटरमाइन द इंपल्स, इंपल्स फाइंड करना है हमें इम्पार्टेड टू दी बॉल, कौन इम्पल्स देगा पहले वो बताओ, इम्पल्स कौन प्रोवाइड करेगा, बैट प्रोवाइड करेगी ऑब्वियस है, ओके क्या बोल रहे थे, हाँ बैटमैन मतलब वही बैट्समैन, बैट्समैन तो वापस वाला है ना, कोई बात नहीं हम बैटमैन को क्रिकेट खेलवा देंगे तो वो बैट्समैन बन जाएगा, हाँ चलो। सो इम्पल्स, इम्पल्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पहले वो लिख देते हैं, इम्पल्स is equals to f into delta t और से change in momentum delta p, ये दोनों में से तुम्हें जो मिले वो लिख लो। तो पहली बात f given नहीं है, delta t कितने टाइम के लिए बॉल ने बैट को टच किया वो भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो हम यूज नहीं करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो p क्या है भाई, delta p क्या है, delta p is nothing but momentum final minus momentum initial, delta p मतलब वही P final minus P initial. तो P final क्या होगा भाई, momentum मतलब mass into velocity, तो mass final into velocity final. तो mass तो final मतलब क्या, वो तो same ही रहेगा, तो mass को mass ही लिखते हैं और final के लिए V और initial के लिए U हम लिखने ही वाले हैं. So minus अब क्या है, initial, initial momentum क्या था, इसको तुम अलग अलग भी लिख सकते हो, PF is equals to M into V and PI is equals to M into लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, हम पहले तो जो है वही लिखते हैं, क्या माइनस मोमेंटम इनिशियल, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम इंटू यू, यही है हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास तो कॉमन है तो एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू, मास कितना है 0.15 है ना, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 लिख देता हूँ 0.15, वी वी कितना है हमारा 12, माइनस यू कितना है माइनस 12, अब माइनस लेना जरूरी है नहीं तो जीरो आ जाएगा, ओके सो कितना हुआ 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ 24, 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाय 100, ओके तो बस ये कैलकुलेशन कर लो, 5 3 जा और 5 20 जा, ये 12 और ये हो गया 10, तो 12 3 जा 36 बाय 10 मतलब 3.6, ऐसा आंसर है, हाँ करेक्ट है, ओके। तो मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड, इंपल्स का यूनिट याद रखना एफ इंटू डेल्टा टी, तो न्यूटन इंटू
सेकेंड ओके इसका भी लिख सकते हो तुम डेल्टा पी का यूनिट मोमेंटम का यूनिट बनाओ ना यहां से दिखाई तो दे रहा है केजी मीटर पर सेकेंड या सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन थोड़ी है तो केजी मीटर पर सेकेंड दैट्स इट तो 3.6 ये यूनिट लिख दो या तो फिर न्यूटन इनटू सेकेंड डन समझ में आ गया ये तो सिंपल है एक मार्क में आएगा और क्या डन चलो तो क्या बोल रहे हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं हाँ दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर द फोर्स ऑन द बॉल बाय द बैट्समैन एंड द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉल एंड द बैट आर डिफिकल्ट टू नो हाँ सही है बट द इम्पल्स इज रेडिली कैलकुलेटेड हाँ करेक्ट डन ओके चलो हमने इम्पल्स देखा और उसके बेस का न्यूमेरिकल देखा ओके okay.